हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज बात करते हैं प्रॉन्स के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब आपके गर्भावस्था के दौरान क्या प्रॉन्स खाना ठीक है। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब आपका अलग अलग चीज़ें खाने को मन करता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग प्रॉन्स खाते हैं, उन लोगों का प्रॉन्स भी खाने को मन करता है। बट प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी चीज़ खाने से पहले एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में होता है वो ये होता है कि क्या ये खाना इस टाइम पे आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉन्स की, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या आप ये खा सकते हैं, खा सकते हैं तो कितना आपको खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियो चैनल पे पोस्ट होते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉन्स खाना आपके लिए ठीक है। तो कुछ सी फूड होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल पना होते हैं, बट प्रॉन्स आप खा सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान, बिल्कुल सेफ है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना है, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, कोशिश करें कि घर पे ही बना के खाएं, बाहर का रेस्टोरेंट वगैरह का प्रॉन्स प्रेगनेंसी के दौरान एटलीस्ट आप ना लें। तो ये कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो प्रॉन्स खाना जनरली सेफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और फिर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की मैं बात करूंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि प्रोटीन भरपूर होता है प्रॉन्स में, और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, बच्चे के बोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रॉन्स में आपको प्रोटीन काफ़ी मिल जाता है, विटामिन मिनरल्स भरपूर होते हैं इसमें, विटामिन डी आपको मिल जाता है, विटामिन B12 आपको मिल जाता है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब इसमें होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं जो इस टाइम पे कोई भी बीमारी आपको ना लगे उससे बचे रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो प्रॉन्स में भरपूर आपको मिल जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती हैं, जो इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रॉन्स में आपको भरपूर मिल जाता है, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी आँखों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बच्चे की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको ये लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हो जाए, हालांकि एक हेल्दी वेट आपको गेन करना होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों से आप बचते हो, तो इसमें कैलोरीज बहुत ना के बराबर होती हैं। तो प्रॉन्स जो है ओवरऑल बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए। तो यस, प्रेगनेंसी के दौरान आप इसको खा सकते हो, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। और कौन सा ऐसे केसेस हैं जब आपको प्रॉन्स अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं आप जैसे प्रॉन्स आप ले रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना है। सबसे पहले तो प्रॉन्स लेने से पहले आप रेगुलर डॉक्टर विजिट करते रहते हो, तो एक बार थोड़ा सा पूछ लें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी थोड़ी सी अलग होती है, तो हो सकता है आपके केस में डॉक्टर आपको कुछ अलग सजेस्ट कर दे। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद जब आप प्रॉन्स खा रहे हो तो घर पे बना हुआ हो कोशिश करें, बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि आप थोड़ा सा अंडर कुक्ड भी जो होता है, यानी थोड़ा सा जो कम पका हुआ होता है, सुशी वगैरह जैसे आइटम्स हो गए, तो वो आप खा लेते हो, बट प्रेगनेंसी के दौरान उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अच्छे से पका हुआ हो उसका ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है उसका ध्यान रखना है। तो अगर आप प्रॉन्स कंज्यूम कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है आप प्रॉन्स खा रहे होगे, बट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं, तो जब भी आप प्रॉन्स खा रहे हो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपके बॉडी में कुछ अलग बिहेव हो रहा है, मतलब आपको रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है, या आपको थोड़े से भी कुछ चेंजेस लग रहे हैं प्रॉन्स खाने के बाद में, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऐसा आपके साथ में हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पहले भी प्रॉन्स खाती थी तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, बट प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे हो सकता है। तो प्रॉन्स खाने के बाद में आपको थोड़े से भी चेंजेस लग रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए प्रॉन्स को आप। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका इस टाइम पे हाई है तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको प्रॉन्स को, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अच्छा, प्रॉन्स में क्या है कि मर्करी कंटेंट थोड़ा हाई होता है, जो कि यूजुअली सी फूड में होता ही है। वो भी कई बार आपको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है आपकी बॉडी को, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। कई बार क्या होता है कि प्रॉन्स अच्छे से नहीं पके होने की वजह से आपको इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वेल कुक्ड हो। आप थोड़े से टिप्स की बात कर लेते हैं कि प्रॉन्स अगर आप खाना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सबसे अच्छा है कोशिश करें कि घर पे बना के खाएं, वो बहुत बेटर है, बजाय इसके कि आप रेस्टोरेंट से लेके खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान जितना आप घर का खाना खाएंगे, जितना घर का बना हुआ खाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हाइजीन अच्छी मेंटेन होती है, साफ़ सफाई मेंटेन होती है, आपके हाथों से बना होता है या घर पे अच्छे से बना होता है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि अच्छे से पका हुआ है या नहीं। तो कोशिश करें कि घर पे पका के खाएं। अच्छा, जहाँ से भी आप प्रॉन्स ले रहे हो तो कोशिश करें कि एक अच्छे सोर्स से आप लें, मतलब कोई अच्छे ब्रांड का या अच्छे शॉप का, मतलब थोड़ा सा उसका सोर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉन्स को पकाने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कीजिए। कोशिश कीजिए कि 10 मिनट पहले अच्छे गुनगुने पानी में उसको डाल के रख दीजिए, ताकि और 10 मिनट के बाद में उसको अच्छे से आप वॉश कर दीजिए। फिर जब भी बना रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से पका के फिर उसको आपको खाना है। अच्छा, कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि प्रॉन्स आपको फ्रेश अवेलेबल नहीं होते। कई बार आप कुछ ऐसे एरियाज में होते हो जो प्रॉन्स एकदम से फ्रेशली आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप फ्रोज़न जो प्रॉन्स होते हैं वो भी ले सकते हो। बस यही कोशिश कीजिए कि जब फ्रोज़न प्रॉन्स आपने लिए हैं तो उसको बनाने से पहले थोड़ा सा थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर कर लीजिए, उसके बाद आप उसको बनाइए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉन्स अगर आपको खाने को मन करता है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सेफ है आपके लिए। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ भी चेंजेस आपकी बॉडी में लग रहे हैं, कुछ भी आपकी बॉडी अलग से सिम्टम दे रही है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ा सा प्रॉन्स को अवॉइड कर सकते हैं, और आप डिलीवरी के बाद में आप जितना चाहें उतना प्रॉन्स खा सकते हैं। और फिर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपके डॉक्टर के रेगुलर विजिट चलते रहते हैं, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज़ को लेके, बहुत बेटर ऑप्शन है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको सबसे अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।